हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। और मैं आपका एजुकेटर अभिजीत मिश्रा आपके साथ। तो गाइस, काफ़ी दिनों से डिमांड थी ट्रिक पर वीडियो बनाने की। और ट्रिक हमारी कौन सी, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। वाइल्ड लाइफ सेंचुरी एक ऐसा टॉपिक है स्टैटिक में जो कि याद रखना काफ़ी मुश्किल है। बट यकीन मानिए, जो ट्रिक मैं आपको दूंगा, मैं एक साथ आपको सारे स्टेट के ट्रिक पढ़ा नहीं रहा हूं, क्योंकि ये ट्रिक मैंने खुद बनाई है और इसे बनाने में मुझे कम से कम 3 से 4 दिन लगे रिसर्च करने में, क्योंकि डिफरेंट साइट्स पर गलत इंफॉर्मेशन है। नेशनल पार्क को वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में मिक्स करते हैं, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी को नेशनल पार्क में मिक्स करते हैं, है ना। तो सब रिसर्च करने में टाइम लगता है। तो मैं आपको 4 से 5 स्टेट का आज कराऊंगा वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज। आप इतना याद करिए, फिर आपको सेकंड पार्ट में कुछ और स्टेट, फिर कुछ और स्टेट। आपको ट्रिक को पूरी पढ़नी, और ट्रिक को पूरी पढ़ने के लिए आपको मेरे वीडियोज में लास्ट तक बने रहना है। तो मेरा नाम आप लोग जानते हैं, आपका मोस्ट वेलकम है अनअकैडमी स्टूडियो वॉल्स पर, जहां पर आपको हाई लेवल कंटेंट मिलते हैं और इंडिया के टॉप एजुकेटर्स आपको पढ़ाते हैं। तो मेरा, जो बच्चे पहली बार मेरा वीडियो देख रहे हैं, तो उनके लिए इंफॉर्मेशन, 9 AM पर मेरी क्लास होती है करंट अफेयर्स की, आप वो ज्वाइन कर सकते हैं। बेस्ट कंटेंट, बेस्ट डिलीवरी, बेस्ट प्रेजेंटेशन। और 10 AM पे हम लोग एक्सपेरिमेंट करते हैं, आपको टॉपिक बाय टॉपिक, मंथ बाय मंथ क्वेश्चंस कराते हैं, कभी बैंकिंग, कभी कभी स्टैटिक के क्वेश्चंस, हमेशा आपको कराते रहते हैं, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं और अनअकैडमी प्लस प्लेटफॉर्म की बात करते हैं। देखिए, अगर आप वाकई अपने सिलेक्शन के लिए सीरियस हैं, अगर आपको वाकई बेस्ट यूनिक कंटेंट चाहिए, एक फैकल्टी आपको चाहिए ऐसा, एक एजुकेटर आपको चाहिए ऐसा जो कि आपको गाइडेंस करे, जो कि आपका मेंटर बने और आपका एजुकेटर तो वो हो, तो आपको हमारा प्लस कोर्स ज्वाइन करना चाहिए। तो भी इंडिया के टॉप एजुकेटर्स जो अपने अपने फील्ड में महारथी हैं, वो प्लस प्लेटफॉर्म पे पढ़ा रहे हैं, इंक्लूडिंग मी ऑल्सो। अच्छा, एक इंफॉर्मेशन उन बच्चों के लिए जिनका बैंकिंग एग्जाम होता है और जिनको जीए में हमेशा कम मार्क्स आते हैं, जिनको नॉलेज नहीं मिलती, कॉन्फिडेंस नहीं मिलता, इंटरव्यू में जाना है उसके लिए आपको कॉन्फिडेंस नहीं मिलता, तो आप मेरा प्लस कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं। मेरा प्लस कोर्स चल रहा है अनअकैडमी प्लस पर, बेस्ट कंटेंट, बेस्ट डिलीवरी और बेस्ट कहते हैं ना कि एक अपनापन, एक मेंटरशिप के साथ आप ज्वाइन हमें कर सकते हैं, ठीक। अगर आपको हमारा प्लस कोर्स ज्वाइन करना है, मेरा प्लस कोर्स ज्वाइन करना है, तो आप हमारे प्लस प्लेटफॉर्म पर जाइए। ये रहा हमारे पास फीस का पूरा डेटा, आप फीस के हिसाब से एडमिशन ले सकते हैं। एडमिशन लेंगे तो आपको फीस पे करनी पड़ेगी। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम एक साल के फीस की बात करें तो फीस कितनी है, 5000, है ना। फीस है, मे भी आपको डिस्काउंट चाहिए। अगर आपको डिस्काउंट चाहिए तो आपको ये कोड AM लाइव कोड भूलना नहीं चाहिए, AM लाइव कोड। AM लाइव कोड से अगर आप एडमिशन लेते हैं तो आपको डिस्काउंट मिलेगा। 6 मंथ लीजिए, 1 ईयर लीजिए, वो आप अपने हिसाब से ले सकते हैं AM लाइव कोड से, ठीक है। अच्छा, ये फीस हम क्यों नहीं, ये फीस हम क्यों दें, क्योंकि हम तो पहले कहीं पढ़ रहे हैं ऑलरेडी। आप कहीं पढ़ रहे हो, आपको, आप अपने प्लेटफॉर्म से इस प्लेटफॉर्म में कंपैरिजन कैसे कर सकते हो। मैं जब जानता हूं, मैंने भी अपने छोटे भाई, मतलब मेरे कुछ कजिन है, उन्होंने एडमिशन लिए यहां वहां, उन्होंने 88,000 रुपीज में SBIPO का बैच लिया। वो भी बैच लिया तो 4 फैकल्टी, वही फैकल्टी यूट्यूब पे पढ़ा रहे हैं, वही फैकल्टी क्लास में पढ़ा रहे हैं, सेम कंटेंट। फायदा क्या हुआ आपको, 8000 फीस, 3 महीने की क्लास। यहां देखिए, आप 5000 रुपए भी आपको पे नहीं करने, अगर आप इस कोड को यूज करोगे तो आपकी फीस 4500 हो जाएगी। और इस फीस में, एक एग्जांपल देता हूं, अगर आप बैंकिंग के लिए एडमिशन, तो इस फीस में आपको मोर देन 50 एजुकेटर्स मिलेंगे, और वो एजुकेटर्स जिनका अपना नाम है, जिनकी अपनी पहचान है और जिनका अपना एक्सपीरियंस है, इंक्लूडिंग मी, ठीक है। आपको सारे एजुकेटर्स मिलेंगे। अगर आपको, जैसे फॉर एग्जाम्पल कि आपको मैथ पढ़नी है शाम को, आपका मन शाम को है, लेकिन आप जिस एजुकेटर से पढ़ने के लिए आए हैं वो सुबह पढ़ा रहा है, तो कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं, आपको उन्हीं के सिमिलर एजुकेटर शाम को भी मिल जाएगा। अनअकैडमी प्लस रियल टाइम पे काम करता है। एक बार कभी आप कोई क्लास लेके देखिएगा, यहां पर डिले नहीं होता, लेक्चर ने, फैकल्टी ने कुछ बोला, एजुकेटर ने बोला, और तुरंत आपको रिस्पॉन्स मिल जाएगा। टाइम, यहां पर टाइम गैप खत्म हो जाता है, और जो फैकल्टी एजुकेटर पढ़ा रहा है, आप उसी नोट्स को एज ए PDF डाउनलोड भी कर सकते हैं। आपको कहीं से नोट्स लेने की जरूरत अलग से नहीं, कहीं से जरूरत नहीं है। और मैं फिर से बोल रहा हूं कि मोर देन 50 एजुकेटर्स पढ़ा रहे हैं प्लेटफॉर्म पर, तो आपको सारे के सारे कोर्सेस अनलॉक हो जाएंगे। अच्छा, ये तो हो गई बैंकिंग वाले बच्चों की बात। अब बात करते हैं ऐसे लोग जो जॉब करते हैं ऑलरेडी और जो एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, तो ऐसे लोग जिनके पास टाइम कम मिलता है, तो उनके लिए भी हमारे पास एक तरीका है, एक चीज है। हमारे पास 8000 का आपके लिए 2 साल का सब्सक्रिप्शन मॉडल है। अगर आपको लगता है कि आपने तैयारी की है, आपको टाइम चाहिए, अगर आप ग्रेजुएशन सेकेंड ईयर थर्ड ईयर में है या अभी पढ़ाई कर रहे हैं PG में है, आपको थोड़ा टाइम है, तो आप हमारा 2 साल का कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं 8000 फीस में मात्र। मतलब जो 3 महीने की फीस है वो हम आपको 2 साल की बता रहे हैं, ठीक। और एक बार आपने पे कर दिया तो अनअकैडमी का 2 साल के लिए पूरा का पूरा एजुकेटर्स का सब कुछ डेटा आपके लिए अनलॉक हो गया।
और आप जिसका मन चाहे उसका वीडियो देख सकते हैं, जिसका मन चाहे उसके लेसन देख सकते हैं। किसी भी एजुकेटर का पूरा प्लेटफॉर्म आपके लिए ओपन है मात्र 8000 रुपीस में, ये भी देखिए आप। ठीक, अच्छा अब एक तीसरी बात करते हैं, ये जो एएम लाइव कोच है, ये एएम लाइव कोच ध्यान रहे केवल बैंकिंग एग्जाम के लिए नहीं, ये एएम लाइव कोच आपके हर एग्जाम के लिए, आप कोई भी एग्जाम देते हो, कोई भी एग्जाम, एसएससी, रेलवे, यूपीएससी, किसी भी एग्जाम की बात करें, आईआईटी, पीएमटी, किसी एग्जाम की, तो आप इस कोड को अप्लाई कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, और अगर आपने इस कोड को अप्लाई किया 8000 वाले फीस में, तो आपकी फीस 7200 हो जाएगी। चलिए अब आगे बढ़े, आई थिंक समझदार को इशारा ही काफी होता है, इशारे मैंने कर दिए हैं, और आपको ये एएम लाइव कोड से परचेस करना है हमारा अनअकैडमी प्लस प्लेटफॉर्म। ठीक है, जो बच्चे पहले ही ज्वाइन कर चुके हैं कोर्स, वो एक काम करेंगे, वो इस कोड को आगे रेफरेंस देंगे। ठीक है, चलिए तो अब आते हैं अपने टॉपिक पर। तो ट्रिक टू रिमेंबर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी की ट्रिक आपको पढ़ानी है, कैसे पढ़ेंगे आइए देखते हैं, बात करते हैं सारी। देखिए हम कुछ स्टेट को टारगेट करेंगे, और स्टेट में पहला स्टेट हमारा कौन सा है, तेलंगाना। तो तेलंगाना में कौन कौन से वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज हैं, हम ट्रिक पढ़ेंगे, ट्रिक को ध्यान से देखिएगा, आपको पूरा लर्न हो जाएगा ध्यान से। देखिए तेलंगाना की बात कर रहे हैं, तेलंगाना का ट्रिक क्या है, तेलंगाना का ट्रिक हमारी यहां पर है, मैंने बोल्ड कर दिया वैसे भी। देखिए तो ट्रिक क्या है, शिव, शिव ने केवल इतने गर्म पानी के किनारे से मंजीरे को पोंछ कर पंखा कर दिया, मतलब सुखा दिया। देखिए एक फैमिली है, मंजीरा एक तरह का वाद्य यंत्र होता है, एक इंस्ट्रूमेंट होता है ना, मंजीरों को पोछना था, पोछने के लिए गर्म पानी रखा गया, बहुत लोगों ने कोशिश की और पूरा गर्म पानी गिरा दिया। तो शिव नाम का लड़का था जिसने थोड़ा सा गर्म पानी लिया, वो भी किनारे से, मंजीरे को पोछा और सुखा के रख दिया। शिव ने केवल इतने गर्म पानी के किनारे से मंजीरे को पोछकर पंखा कर दिया। ठीक है, अच्छा इसमें जितने भी आपको रेड वर्ड दिख रहे हैं उनसे आपके वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, और जो ब्लैक वर्ड है वो केवल ट्रिक बनाने के लिए। ठीक, तो रेड वर्ड को हम फोकस करेंगे, शिव है, केवल है, इतने गर्म पानी है, किनारे है, मंजीरा है, पोछा है और पंखा है, इनसे आपके वाइल्ड लाइफ सेंचुरी होंगे। आइए देखते हैं, देखिए तो जो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी की ट्रिक है हमारे सामने शिव, तो शिव से कौन सा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, शिवराम वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, केवल इतने गर्म पानी, केवल से कवल वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है ना, इतने गर्म से इतुरना गर्म वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, पानी से प्रणीता वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, किनारे तो किन्नेर सानी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, किन्नेर सानी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, मंजीरा से मंजीरा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, पोछा से पोछरम वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, पंखा कर दिया था ना तो पंखा से पखल वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। हो गई ट्रिक कंप्लीट। फिर देख लीजिए, शिव ने केवल इतने गर्म पानी के किनारे से मंजीरे को पोछकर पंखा कर दिया। वापस आइए, आपके सामने पूरी ट्रिक, शिव केवल इतने गर्म पानी किनारे, मंजीरा पोछा पंखा, आपका तेलंगाना कंप्लीट। आगे बढ़े तो ये तेलंगाना की ट्रिक थी, और नेक्स्ट ट्रिक हम किसकी पढ़ेंगे, नेक्स्ट ट्रिक हम पढ़ेंगे राजस्थान की। गाइस राजस्थान में बहुत सारे वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज हैं, ट्रिक बनाना काफी मुश्किल था, और ये ट्रिक मेरी खुद की अपनी है, ये इसलिए इसको मैंने सिंपल सी लैंग्वेज में बनाने की कोशिश की है, आई होप कि आपको पसंद आएगी। ठीक है, देखिए तो राजस्थान के लिए पहले कहानी सुन लीजिए, ट्रिक को बाद में देखिएगा। एक दिन राजस्थान में हॉलीडे पड़ा, छुट्टी थी, राजस्थान बंद था, तो तीन दोस्त थे, जसवंत, जवाहर और केला देवी फीमेल थी। इन लोगों ने प्लान किया कि चलो कहीं घूमने चलते हैं, माउंट आबू चलते हैं, सुने हैं कि माउंट आबू में एक शेर आया है, शेर देखने चलते हैं। अब पिकनिक पर कोई जाएगा तो कुछ खाना पीना बना के जाएगा, तो इन तीनों ने सेवई बनाए शेर देखने के लिए माउंट आबू पर। लेकिन जब ये माउंट आबू पर गया तो उन्हें शेर नहीं मिला, लेकिन इन्हें टेम्पल मिला, टेम्पल राम और सीता जी का टेम्पल था, और ये टेम्पल छप्पर से बना था, छप्पर समझते, छप्पर का मतलब झोपड़ी ओपड़ी के ऊपर नहीं, घास फूस, छप्पर से बना था। तो इन लोगों ने टेम्पल देखा, श्रद्धा भक्ति अंदर से आई, इन लोगों ने फूल तोड़ा और मंदिर के दर पे चढ़ा दिया। ये है पूरी कहानी। देखिए एक दिन राजस्थान बंद था, जवाहर, जसवंत और कैला देवी सेवई बनाकर माउंट आबू पर शेर देखने गई, वहां छप्पर के नीचे राम एंड सीता जी का टेम्पल था, तीनों ने फूल तोड़कर टेम्पल के दर पर चढ़ा दिया, वही जो मैंने आपको एक्सप्लेन किया। तो जितने भी रेड वर्ड हैं उनसे आपके वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज हैं। ठीक है, आइए देखते हैं कौन कौन सी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। राजस्थान बंद था, तो बंद से देखिए, तो बंद भरता वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। ठीक है, पहला आपका वाइल्ड लाइफ सेंचुरी यहां पर हो गया। ठीक, कौन तीन दोस्त थे, जवाहर, जवाहर से जवाहर सागर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी,
जवाहर सागर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, जसवंत से जसवंत सागर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, कैला देवी से कैला देवी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, तीन हो गया। इन लोगों ने क्या बनाई थी, सेवैया, सेवई, तो सेवई से सवाई मानसिंह वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। ये लोग कहां गए थे, माउंट आबू, तो माउंट आबू वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। क्या देखने गए थे, शेर, तो शेरगढ़ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी आपके सामने। वहां पर इन्हें क्या मिला, छप्पर का राम और सीता जी का टेंपल। राम और सीता जी की बात बाद में करेंगे, पहले छप्पर की बात करते हैं। तो छप्पर से ताल छप्पर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी हो गया इतना। आगे देखिए नेक्स्ट, राम, राम और सीता का टेंपल, राम, राम से तीन वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कंप्लीट हो जाएंगे, एक रामगढ़, एक रामसागर और एक जामवा रामगढ़ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। रामगढ़ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी अलग है और जामवा रामगढ़ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी अलग है। सीता जी, तो सीता माता वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, ठीक है। तो मंदिर देखने के बाद इन्होंने फूल तोड़ा ना, फूल तोड़ा, फूल, तो फूल से क्या हो गया, फुलवारी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। तोड़ा मतलब तोड़गर राउली वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, और दर पे चढ़ाया, दर पे मतलब दर्रा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। राजस्थान कंप्लीट, सिंपल सी कहानी से राजस्थान कंप्लीट हो गया। चलिए, तो हमने तेलंगाना कर लिया, हमने राजस्थान कर लिया, आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट एक उत्तर प्रदेश के लिए। उत्तर प्रदेश हमारा, मेरा स्टेट, अपना स्टेट, कौन कौन से वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, आगे देखते हैं, ट्रिक को पढ़ते हैं, फिर देखते हैं, ठीक है, ट्रिक की बात करते हैं। ट्रिक, तो ट्रिक में क्या है, ट्रिक में देखिए सोहागी, तो एक 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 रजवाड़ा है, एक रजवाड़ा है, ठीक, सोहागी, सोहागी नाम की रानी एंड और हस्तिनापुर का महावीर किसान जिसका नाम क्या है, चंदन। एक रानी है जिसका नाम है सोहागी और हस्तिनापुर का एक एक बगल में मान लीजिए कि अलग शहर है हस्तिनापुर, हस्तिनापुर में किसान है, बड़ा महावीर है, महावीर किसान, उसका नाम क्या, चंदन, ठीक। तो सोहागी नाम की रानी और हस्तिनापुर के महावीर किसान चंदर को, चंदर को चंबल, चंबल एक जगह है मान लीजिए, चंबल, चंबल के मोर, चंबल के मोर ने सरोवर में काट लिया। सरोवर का मतलब तालाब, हो सकता हो कि सुहागी जो रानी है और जो चंदर है वो लोग सरोवर में तैर रहे हो, तो वहां पर एक मोर आ गया और मोर ने काट लिया, मोर ने काट लिया, हालांकि सांप काटते हैं मोर ने, लेकिन मोर यहां पे काट रहा है, ठीक है। तो अब जितने भी रेड वर्ड है उनसे आपका ट्रिक है, मतलब वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज है, ब्लैक केवल उसको ट्रिक बनाने के लिए, ठीक है। तो सुहागी रानी हस्तिनापुर महावीर किसान चंदर चंबल मोर सरोवर काट काट, इनसे हमारे वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज होंगे। आज देखते हैं कौन कौन सी सेंचुरीज हैं, ठीक है। देखिए सोहागी, सोहागी बरवा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, ठीक, सोहागी नाम की रानी, रानी से रानीपुर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, हस्तिनापुर के किसान, हस्तिनापुर, तो हस्तिनापुर से हस्तिनापुर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, हस्तिनापुर के महावीर किसान चंदर, महावीर, तो महावीर से महावीर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, कई बार आपके एग्जाम में पूछा गया महावीर स्वामी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, ठीक। किसान, महावीर किसान, महावीर किसान, किसान मतलब किसानपुर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, इस किसान का नाम क्या था, चंदर, तो चंदर से चंद्रप्रभा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। इनको चंबल में ना, चंबल में, तो चंबल मतलब नेशनल चंबल वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, चंबल में मोर ने सरोवर में करा था, तो मोर का मतलब क्या हुआ, कैमूर, कैमूर, यह भी एग्जाम में पूछा गया, कैमूर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, सरोवर मतलब सुर सरोवर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, और काटने का मतलब क्या देखो, कटरनी घाट वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, कटरनी घाट वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, तो आपका यूपी, यूपी हो गया। फिर से एक बार, सुहागी नाम की रानी एंड हस्तिनापुर के महावीर किसान चंदर को चंबल के मोर ने सरोवर में काट लिया, सिंपल सा, तो कंप्लीट हो गया हमारा। हम आगे बढ़ेंगे अपने नेक्स्ट ट्रिक पर, और नेक्स्ट ट्रिक हमारी उत्तराखंड के लिए। उत्तराखंड में कौन कौन सी वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज हैं, आगे देखते हैं, ट्रिक के थ्रू देखेंगे। देखिए ट्रिक क्या है, केदारनाथ की सोना ने मसूरी में गोविंद नदी के पास बिना सर का डियर देखा, डियर मतलब हिरन। तो केदारनाथ की एक लड़की है सोना नाम उसका, सोना, ठीक। तो मसूरी में घूमने गई बढ़िया बढ़िया जगह देखने के लिए, लेकिन ये क्या बुद्धि क्या उसे, मसूरी में गोविंद नदी के पास, गोविंद नदी बह रही थी वहां पर, उसके पास बिना सर का डियर मतलब हिरन देख लिया उसने, वो हिरन अपना चल रहा था, अपना मस्ती में था, ठीक। तो केदारनाथ की सोना ने मसूरी में गोविंद नदी के पास बिना सर का डियर देखा। अगेन जितने रेड वर्ड है वो आपके वाइल्ड लाइफ सेंचुरी से, ब्लैक वर्ड केवल ट्रिक बनाने के लिए, ठीक है। चलिए, तो केदारनाथ, सोना, मसूरी, गोविंद नदी, बिना सर और डियर, आइए देखते हैं। केदारनाथ की सोना, तो केदारनाथ मतलब केदारनाथ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, सोना मतलब सोना नदी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, मसूरी, ये मसूरी घूम गई थी तो मसूरी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, गोविंद नदी के किनारे, गोविंद मतलब गोविंद पशु विहार वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, नदी मतलब नंदौर, नंदौर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, गोविंद नदी के किनारे ना,
अच्छा क्या देखा? बिना सर मतलब बिना सर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, क्या देखा था डियर? तो डियर मतलब एस्कॉट मस्क डियर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, कंप्लीट, सिंपल सा कंप्लीट हो गया उत्तराखंड आपका। आगे बढ़े, नेक्स्ट नेक्स्ट स्टेट हमारा महाराष्ट्र। महाराष्ट्र में 45 वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज है, 45। तो हमने कुछ चुन चुन के आपके लिए निकाला है और इसी में से एग्जाम में क्वेश्चन भी आएगा, ठीक है। देखिए क्या है पूरा ट्रिक, क्या है वो देखिए, ट्रिक को ध्यान से देखिएगा, ठीक है। देखिए ग्रेट इंडियन राधा की नगरी, ठीक। तो एक एक शहर है उसका नाम है ग्रेट इंडियन राधा की नगरी, ठीक है। नगरी में आने पर भीमा, मतलब भीमा एक व्यक्ति है जो कि ग्रेट इंडियन राधा की नगरी में आया, ठीक। तो ग्रेट इंडियन राधा की नगरी में बड़ा जादू होता है, आपका दिमाग भ्रम में आ जाता है, दिमाग भ्रम में आता है, ठीक है। तो ग्रेट इंडियन राधा की नगरी में आने पर भीमा को दर्द होने का भ्रम होने लगा, ठीक। उसने हाई स्वर, मतलब उसने जोर से चिल्लाया, कोई यहां बताओ, कोई ना यहां आए, कोई ना यहां आए, कोई ना यहां आए, वरना फंस जाओगे और घोटाला हो जाएगा, ठीक। तो फिर समझ लीजिए कि एक एक व्यक्ति था भीमा जो कहां गया, ग्रेट इंडियन राधा की नगरी, और वहां पर क्या होता है, वहां पर जादू वादू होता है। तो भीमा के साथ जादू हो गया, भीमा को यह भ्रम हुआ, यह आभास हुआ कि उसे दर्द हो रहा है, लेकिन दर्द हो नहीं रहा था, भ्रम हुआ उसे, ठीक। तो उसने अपने साथी जो आ रहे थे पीछे पीछे उनमें आवाज लगाई, ऊंचे स्वर में बोला कि यहां बताओ, कोई ना यहां आए, वरना क्या हो जाए, वरना फंस जाओगे और घोटाला हो जाएगा। अगेन जितने भी रेड वर्ड हैं उनसे वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, जो ब्लैक वर्ड है वो केवल राइम बनाने के लिए, ठीक है। चलिए तो ग्रेट इंडियन राधा की नगरी आने पर भीमा, पेन, भ्रम, स्वर, कोयना, फस और घोटाला, इतने वर्ड हमको ध्यान देने, ठीक है। चलिए ग्रेट इंडियन, तो ग्रेट इंडियन मतलब ग्रेट इंडियन बस्टर्ड वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, कई बार आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया ये वाला, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। राधा की नगरी, नगरी से दो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, एक राधा नागरी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी और एक नागजीरा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, ठीक। आने पर मतलब अनेर डैम वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, भीमा मतलब भीमा शंकर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, भीमा को पेन का भ्रम हुआ, पेन मतलब पेन गंगा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, भ्रम हुआ, भ्रम का मतलब भमरागढ़ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। इसने ऊंचे स्वर में आवाज लगाई, स्वर से देखो तीन है, एक हो गया सागरेश्वर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, एक हो गया तिपेश्वर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी और एक हो गया तुंगारेश्वर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। जिसमें स्वर लग जाए वो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी महाराष्ट्र में होती, याद रखना, ठीक है। स्वर क्लियर, इतना ये क्लियर, अभी खत्म नहीं हुआ है, आगे बढ़िए। देखिए तो उसने क्या आवाज लगाई, कोई ना मतलब कोई यहां मत आओ, कोई ना वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, ठीक है। फर्स्ट मतलब फंसद वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, फंस जाओगे और क्या हो जाएगा, घोटाला, तो मतलब घोटाला अचुरमा घाट वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। तो ये आपकी पूरी ट्रिक थी। तो दोस्तों हमने चार स्टेट की ट्रिक कंप्लीट की, चार स्टेट, तेलंगाना, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश और महाराष्ट्र। आई होप कि आपको पार्ट वन पसंद आएगा, अगर पसंद आए तो हमारे वीडियोस को लाइक कर दीजिए, खूब शेयर करिए और अच्छे अच्छे कमेंट्स करिए ताकि हम मोटिवेट होकर आपके लिए फिर से सेकंड पार्ट जल्दी से जल्दी बनाए। आसान बिल्कुल भी नहीं होता वाइल्ड लाइफ सेंचुरी बनाना, मैं आपको बता दे रहा हूं, ठीक है। दूसरी बात, मैंने आपसे क्या बोला कि आपको एएम लाइव कोड ध्यान देना है और एएम लाइव कोड से आपको एडमिशन लेना है। आप कोई भी क्लास करो, डजंट मैटर, इस कोड का यूज आप करो, आपको इंस्टेंट डिस्काउंट मिल जाएगा और आपको फायदा हो जाएगा। थैंक यू सो मच गाइस, अपने कमेंट जरूर करिए, हमको बताइए कि आपको हमारा वीडियो कैसा लगा। थैंक यू सो मच, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट सेशन में और फिर से बात करेंगे बढ़िया बढ़िया कंटेंट की। थैंक यू।